पौंग डैम नियंत्रण में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात जिला होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने पौंग डैम का दौरा कर प्रबंधों का जायजा लेने के बाद कही। उन्होंने कहा कि पौंग डैम का पानी नियंत्रण में है और प्रशासन की ओर से सिविल व पुलिस अधिकारी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पौंग डैम की स्थिति का जायजा लेने के बाद होशियारपुर की उपायुक्त ईशा कालिया ने कहा कि पौंग डैम का पानी नियंत्रण में है और प्रशासन की ओर से सिविल व पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाकर आपात स्थिति से निपटने के लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने जिलावासियों को अफवाहों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। ईशा कालिया ने ब्यास के किनारे बसे लोगों को सावधान रहने और किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की। ईशा कालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो रही है, इसलिए बीबीएमबी, सिविल प्रशासन और जिला पुलिस अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कल एक डिसीजन हुआ है कि उन्होंने 14,000 क्यूसेक पानी एक्सपेंड किए थे और 12,000 क्यूसेक पानी उन्होंने टर्बाइन से, जो कि रूटीन से भी करना रहता है, वो उन्होंने रिलीज करना है। तो टोटल 26,000 क्यूसेक पानी रिलीज करेंगे, जिसमें 14,000 क्यूसेक आपका ब्यास रिवर से जाएगा, तो 12,000 क्यूसेक है जो कहना आगे मुकेरिया हाइडर से जाएगा। तो बिल्कुल स्थिति सामान्य है। सारे सेक्टर ऑफिसर्स के नाल मीटिंग कर ली है कि जिन्हें भी अपने वल्नरेबल सेक्टर हैं उन्हें सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। एक एक ऑफिसर, फूड टीम, हेल्थ टीम, एनिमल हस्बेंड्री, चारों ऑफिसर्स नाल ला देते हैं। उन्होंने सारे जाके पिंडा का दौरा कर देता है। बिल्कुल पानी का लेवल 8 फीट अभी डाउन है, तो किसी भी तरीके की कोई भी चिंता की गलत नहीं है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।